इलेक्शन कमीशन ने झारखंड के मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी। 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतों की गिनती होगी। 23 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 30 मार्च तक उम्मीदवारों की नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं 30 अप्रैल तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में मधुपुर सीट से झामुमो प्रत्याशी हाजी हुसैन अंसारी ने जीत दर्ज की थी। हेमंत सरकार में वे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी वे ठीक हो गए थे, लेकिन 3 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। उसके बाद से यह सीट खाली है। उपचुनाव में यूपीए के हफीजुल हसन और एनडीए के राज पलिवार में कड़े मुकाबले की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका घोषणा भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज शाम को किया गया है, तो उसके साथ ही आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है संपूर्ण जिले में लागू हो जाती है। और उस निर्वाचन के लिए भी जो निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा जो भी किया गया है उसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी की है एक पीसफुल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए। और लास्ट जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो होगा गजट नोटिफिकेशन वो 23 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 मार्च को होगी और लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 31 मार्च को होगी और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेट्स ये 3 अप्रैल को होगा और मतदान का दिन जो है डेट ऑफ पोलिंग वो 17 अप्रैल को होगा 17 अप्रैल को और काउंटिंग जो है 2 मई को संडे के दिन होगा।